दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज के न्यूज हेडलाइंस पर। उद्योगपतियों के इशारों पर काम कर रहे मोदी, राहुल क्यों बोले कि जीएसटी छोटे कारोबारियों को खत्म करने का षड्यंत्र। मणप्पुरम गोल्ड लूट का एक और लुटेरा गिरफ्त में, अब तक 3 आए पकड़ में। देवर से करो शादी नहीं तो पंचों की तानाशाही, विधवा बेटी की शादी पर परिवार का हुक्का पानी किया बंद। धारीवाल, जोशी और राठौड़ को क्लीन चिट, कांग्रेस अनुशासन कमेटी में जांच का क्या हुआ, कब तक विचार। तांत्रिक ने सरकारी स्कूल के टीचर को, तांत्रिकों ने दिया जादुई बक्सा, रोज निकले 10,000। और अब खबरें विस्तार से। राहुल गांधी ने कहा, देश के 100 पूंजीपतियों के पास आधी हिंदुस्तान की आबादी जितना पैसा है। नरेंद्र मोदी भी इनके इशारे पर ही काम करते हैं, जो ये कहते हैं वही काम मोदी करते हैं। बड़े उद्योगपतियों ने कहा कि छोटे व्यापारियों को खत्म करना है, जो कि मोदी ने किया। जीएसटी गलत तरीके से इसीलिए लागू की। मुझे आज ही बताया गया कि 25 किलो से कम गुड़ बेसन बेचने पर जीएसटी लगता है, ज्यादा पर नहीं लगता, इसलिए छोटे कारोबारियों को खत्म करने का यह षड्यंत्र किया गया। राहुल बुधवार शाम को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दौसा के बगड़ी में नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आज सुबह आरबीआई के पूर्व गवर्नर एन रघुराम राजन जुड़े हैं। राहुल गांधी ने राजन के साथ लंबी चर्चा की, टी ब्रेक तक लगातार दोनों बातचीत करते हुए चल रहे थे। आर्थिक मुद्दों पर रघुराम राजन बेबाक राय रखते हैं। गौरतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा में लगातार अलग अलग क्षेत्रों के लोग जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी और रघुराम राजन के बीच आधे घंटे से ज्यादा समय की बातचीत हुई। दोनों ने एक डॉक्यूमेंट्री के लिए आर्थिक मुद्दों पर अपनी राय रखी। रघुराम राजन को यूपीए के दूसरे कार्यकाल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बनाया गया। इधर यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भारत चीन सीमा विवाद पर कहा, जब यह घटना घटी उसके 5 दिन बाद सरकार का स्टेटमेंट आया है, लेकिन उसमें कुछ भी नया नहीं है। केंद्र सरकार को चाहिए कि इस मुद्दे पर विपक्ष को विश्वास में लेकर चर्चा करे। इस मसले पर पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन बिना पारदर्शिता लाए हम कैसे आगे बढ़ेंगे। सच्चाई के साथ केंद्र सरकार को चर्चा करनी चाहिए। अगर सीमा पर चीन अतिक्रमण करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। उदयपुर में प्रतापनगर थाना पुलिस ने अगस्त माह में मणप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी में करोड़ों रुपए का 24 किलो सोना और 11 लाख रुपए नकदी लूटने से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मूलतः बिहार का रहने वाला है और घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने विकास कुमार पुत्र देवेंद्र रजक निवासी सबलपुर गुलमैया चक नदी पटना बिहार को गिरफ्तार किया है, जिसे पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। यहां से 3 दिन के रिमांड पर उसे भेज दिया गया है। आरोपी से अन्य बदमाशों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। मामले में पुलिस अब तक 3 को गिरफ्तार कर चुकी है। जानकारी के अनुसार सुंदरवास में एक भवन में प्रथम फ्लोर पर मणप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी कार्यालय में 29 अगस्त को सुबह 9:19 पर मास्क लगा और हाथ में पिस्टल लिए 5 बदमाश घुसे थे, जहां सभी कर्मचारी और अधिकारियों को बंधक बना दिया गया। इसके बाद बदमाशों ने कर्मचारी जिसके पास लॉकर की चाबियां थी उसको अपने साथ ले गए, फिर लॉकर में रखे 24 किलो सोने के जेवरात और 11 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर एसपी विकास कुमार शर्मा से आला अधिकारी पहुंचे, बताया कि बदमाश कई दिनों से इस गोल्ड लोन कंपनी की रेकी कर रहे थे और डबोक में नाम पता बदल कर रह रहे थे। पुलिस की जांच में सामने आया कि बदमाश बिहार के रहने वाले हैं और इस तरह से पहले भी वारदातें कर चुके हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से निम्बाहेड़ा नीमच दिल्ली में रेलवे स्टेशन और बिहार में लगे तक सीसीटीवी कैमरों की जांच की, जिसके बाद बिहार पुलिस की सहायता से 2 बदमाशों का पता लगाया। निम्बाहेड़ा में दबिश देकर फंटोस कुमार पुत्र राम इकबाल प्रसाद यादव निवासी रिवरू बिगड़ा नगर नालंदा बिहार और प्रिंस कुमार उर्फ काला पुत्र नथुनी भगत निवासी वैशाली बिहार को गिरफ्तार किया, जो अभी भी न्यायिक अभिरक्षा में है। विधवा के पुनर्विवाह पर नगला बिलौठी में जाति के पंच पटेलों ने पंचायत कर एक परिवार का 3 दिन से हुक्का पानी बंद कर रखा है। फसल सहित खेत जब्त कर लिए हैं। ऐसा रुपए लेकर विधवा बेटी को दूसरे युवक के साथ बैठाने का आरोप लगाते हुए किया गया। दूसरी ओर पीड़ित परिवार का कहना है कि विधवा द्वारा देवर से शादी नहीं करने के कारण प्रताड़ित किया जा रहा है। पंचों की इस कबाइली कार्यवाही की पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन दिलासे के सिवाय वहां से कुछ नहीं मिला। निकटवर्ती गांव नगला बिलौठी निवासी विजय पाल गुजर और उसकी 20 वर्षीय विधवा बेटी पर देवर से विवाह करने का दबाव दिया जा रहा था। विजय पाल और उसके परिवार के अनुसार शराबी होने के कारण बेटी देवर से शादी नहीं करना चाहती थी। कुछ महीने पहले बेटी का विवाह दूसरे घर में हो गया, जिस पर गांव के पंच पटेलों ने रविवार को पंचायत बिठा दी। इसमें 10 लाख में बेटी बेचने का दोषी ठहराते हुए
हुक्का पानी बंद कर परिवार सहित गांव छोड़ने का फरमान सुना दिया। यहां तक कि पानी से लेकर किसी भी रास्ते के उपयोग तक पर प्रतिबंध लगा दिया है। पीड़ित परिवार से व्यवहार रखने पर जुर्माने की भी घोषणा की गई है। पंचायत में पीड़ितों से 51,000 रुपए का दंड भी मांगा गया। विजयपाल के अनुसार उनके पास इतने रुपए नहीं है, ऐसे में फसल सहित उनके खेत पंचों ने जब्त कर लिए है। उसने अपनी 3 बीघा और किराए पर 14 बीघा खेत लेकर फसल बो रखी है। विजयपाल सहित घर में 2 छोटे बच्चों सहित 8 लोग हैं, साथ ही 4 पशु भी हैं जिन्हें कोई पीने का पानी तक नहीं दे रहा। ऐसे में पशुओं सहित परिवार के लिए पेयजल तक का संकट खड़ा हो गया है। पीड़ितों ने रविवार शाम ही 100 नंबर पर घटना की सूचना दी। बकौल पीड़ित, मदद के लिए बार बार नंबर पर संपर्क किया गया, फोन रिसीव करने वाले सहायता किए जाने के आश्वासन देते रहे। घटना को 3 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक किसी ने सुध नहीं ली। विधवा बेटी को देवर से शादी करने का दबाव बना रहे हैं और उसकी इच्छा से दूसरी जगह विवाह करने पर पंचों ने बेटी बेचने का ये झूठा आरोप लगाकर हुक्का पानी बंद कर दिया है। पंचों ने खेतों को भी जब्त किया है। सूचना पर भी पुलिस मदद नहीं कर रही और अब सरकार ही इन्हें बचा सकती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर को अभी तक कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। कांग्रेस अनुशासन कमेटी के पास जांच पेंडिंग है, अभी उस पर फैसला नहीं हुआ है, हम अभी उस पर विचार कर रहे हैं। बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे जयपुर पहुंचे केसी वेणुगोपाल ने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने आया हूं। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। कांग्रेस प्रवक्ता संदीप चौधरी के साथ वेणुगोपाल सवाई माधोपुर के लिए रवाना हो गए। खुद पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने इन तीनों नेताओं पर कार्यवाही की मांग कांग्रेस आलाकमान के सामने खुलकर उठा चुके हैं। विधायक दिव्या मदेरणा, इंद्राज गुजर, वेद प्रकाश सोलंकी भी गहलोत खेमे के बगावती नेताओं पर कार्यवाही की मांग कर चुके हैं। पिछले दिनों पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी की अध्यक्षता में कांग्रेस अनुशासन कमेटी की फुल बेंच की बैठक हुई थी। इसमें सचिव तारिक अनवर, मेंबर अंबिका सोनी और जीआर राजू भी थी। सूत्रों के मुताबिक बगावत के बाद आलाकमान के भेजे गए नोटिस पर तीनों ने बिना शर्त माफी मांगी थी। बैठक में तीनों के जवाब पेश किए गए। बैठक में कार्यवाही को लेकर चर्चा हुई लेकिन जांच पर मामला अब तक पेंडिंग है। सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने तीनों नेताओं के माफीनामे तत्काल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजकर पूछा मामले में क्या कार्यवाही की जाए। सोनिया के दफ्तर से जवाब नहीं आया, इसलिए ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई कि तीनों नेताओं पर आलाकमान कार्यवाही के मूड में नहीं है। यही वजह रही कि धारीवाल और राठौड़ राहुल की यात्रा में न सिर्फ नजर आए बल्कि उनके साथ पैदल भी चलते दिखाई दिए, मुख्य भूमिका में भी दिखाई दिए। इससे पहले पूरी बगावत को लेकर खुद सीएम अशोक गहलोत तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलकर माफी मांग चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा कोटा पहुंची तो धारीवाल ने राहुल के सामने शक्ति प्रदर्शन किया। धर्मेंद्र राठौड़ को अलवर में राहुल की सत्कार कमेटी में लगाया गया है। धर्मेंद्र राठौड़ भी पदयात्रा में 1 दिन पहले राहुल गांधी के साथ चलते हुए भी नजर आए। राठौड़ मंगलवार को सरदार शहर के नव निर्वाचित विधायक अनिल शर्मा के साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिले हैं। धारीवाल ने बातचीत में भी कोटा में कहा था कि हमें तो क्लीन चिट के लिए नहीं कहा है पर कोई कार्यवाही भी नहीं हो रही है। मैं तो ये समझता हूं कि अब मामला खत्म हो चुका है, हमने जवाब दे दिया है, वे संतुष्ट हैं, इसलिए कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। सरकारी स्कूल के टीचर को जादुई बक्सा देकर 41 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। ठगों ने बक्से में से रोजाना 10,000 रुपए निकलने का दावा किया, रुपए नहीं निकलने पर टीचर को ठगी का पता चला। मामला अजमेर के केंकड़ी का है। ग्रेड 3 टीचर अशोक मीणा ने केंकड़ी सिटी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। टीचर ने कहा कि वह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मार्च 2019 में देवगांव गेट के बाहर स्थित दीदारनाथ आश्रम में माता काली के मंदिर में रोजाना जाता था, जहां उसकी मुलाकात सब्जी मंडी निवासी जयप्रकाश शर्मा उर्फ सिद्धांत नाथ अघोरी से हुई। उसने अपने आप को बड़ा तांत्रिक बताया और उसे विश्वास में ले लिया। टीचर ने बताया कि 14 जनवरी 2020 को आरोपी जयप्रकाश ने उसे विश्वास दिलाया कि शाहपुर महाराष्ट्र निवासी शिवनाथ बहुत बड़ा तांत्रिक है जो तुम्हें एक बक्सा देगा, इसमें से हर रोज 10,000 रुपए निकलेंगे जो 3 साल तक रोज निकलते ही रहेंगे। इस तरह अशोक तांत्रिक के झांसे में आ गया। लकड़ी के बक्से के लिए 3 लाख रुपए तांत्रिक जयप्रकाश के खाते में डाल दिए। अशोक तांत्रिक जयप्रकाश के साथ महाराष्ट्र में शिवनाथ के पास गया जहां शिवनाथ ने उसे लकड़ी का बक्सा दिया। टीचर ने बताया कि तांत्रिक शिवनाथ की ओर से दिए बक्से से 6 दिन तक रोज 10,000 रुपए निकले लेकिन इसके बाद पैसे निकलना बंद हो गए। अशोक ने जयप्रकाश को इसकी जानकारी दी जिस पर उसने कहा कि वो तांत्रिक शिवनाथ से बात करेगा। शिवनाथ ने अशोक को बॉक्स वापस लाने के लिए कहा। पीड़ित और जयप्रकाश महाराष्ट्र में शिवनाथ के पास गए। शिवनाथ ने कहा कि अभी कोरोना चल रहा है इसलिए धार्मिक स्थल बंद है, खुलेंगे तब बक्से को ठीक कर दूंगा। ऐसा कहकर शिवनाथ ने बक्सा उसके पास रख लिया। तांत्रिक शिवनाथ को बक्सा देने के कुछ ही दिन बाद जयप्रकाश ने कहा कि उसे जमीन में गड़ा हुआ धन मिला है जिसे शुद्ध करना होगा। तांत्रिक शिवनाथ को 1 लाख रुपए की जरूरत है, अगर तुम दोगे तो मैं तुमको सोने का 5% दे दूंगा। इसके बाद झांसे में आकर अशोक ने तांत्रिक शिवनाथ के खाते में 1 लाख रुपए भिजवा दिया।
आरोपी जयप्रकाश ने उसे पूरा भरोसा दिलाने और प्रभावित करने के लिए देवगांव गेट स्थित आश्रम के एक कमरे में भेजता जहां बिखरे पड़े पैसे लाने को कहता। टीचर झांसे में आ गया, जमीन में दबा धन निकालने और बक्सा वापस लाने के नाम पर तांत्रिक उससे 14,95,255 रुपए अपने खाते में डलवा दिए। वहीं 6,50,000 रुपए कैश ले लिए। साथ ही पूजा अर्चना और तंत्र विद्या के नाम पर भी 2 साल में 20 लाख रुपए ठग लिए। टीचर ने बताया कि दोनों तांत्रिक आस्था के नाम पर फंसाकर 41,45,255 रुपए अब तक ठग चुके हैं। टीचर को करीब 2 महीने पहले ठगी का एहसास हुआ। टीचर ने तांत्रिक से रुपए वापस मांगे तो वह टालमटोल करता रहा। करीब 20 दिन पहले जयप्रकाश गायब हो गया। अशोक मीना ने बताया कि उसने तांत्रिक को रुपए देने के लिए बैंक से भी लोन लिया था। सिटी थानाधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि 2 तांत्रिकों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। अब मामले में जांच की जा रही है। आजकल लोगों में पशु प्रेम जागा है, कुछ भी कहें, पर जितने भी लोग निर्दयी हैं उनसे कहीं ज्यादा हमारे आसपास ऐसे लोग भी हैं जो इन बेजुबानों की पीड़ा को कहीं अच्छे से समझते भी हैं और इनके लिए सुविधाएं भी जुटाते हैं। जैसे कि आज की ही बात ले लीजिए, मानवाधिकार युवा संगठन जिला अध्यक्ष अनु दीक्षित, जिला महासचिव कैलाश ओढ़, समाज सेवी प्रवीण पालीवाल को सूचना मिली कि एक बंदर गोरेला से आगे हनुमान जी के मंदिर है वहां पर घायल अवस्था में पड़ा है। तुरंत प्रभाव से वो वहां पहुंचे। मौके पर जाकर देखा तो बंदर अत्यंत घायल अवस्था में था। वहां पर वन विभाग रेंजर गणेशीलाल गोठवाल को सूचित किया गया। इस पर उन्होंने तुरंत प्रभाव से वन विभाग की टीम भेजी जिसमें खेमराज और उनके साथी उपस्थित थे। उस बंदर को रेस्क्यू कर वहां से बायोलॉजिकल पार्क लाया गया। डॉक्टर हंसराज की देखरेख में उस बंदर का इलाज करवाया गया। बंदर की हालत बहुत नाजुक बनी हुई है, इलाज अभी भी जारी है। अगर आगे भी कोई भी घायल जानवर इस अवस्था में दिखाई दे तो मानव अधिकार युवा संगठन जिला अध्यक्ष अनु दीक्षित से आप तुरंत प्रभाव से संपर्क कर सकते हैं। पूर्व में भी कई जानवरों का इन्होंने रेस्क्यू किया है। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।